मैसेज आते हैं मेरे पास, उनके मैसेज पढ़कर कई बार मेरा मन करता है डांटने का, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बच्चा है क्यों डांटना इसको। लेकिन आज एक मौका आया आपको बताने का, तब मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया है। अभी भी समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए, वक्त है। अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है जिसको लेके लोग अपने सिर को घुटनों के अंदर डालकर बैठे हैं, मान के चलना ये आपके लिए पॉजिटिव है। आप घुटनों के अंदर सिर मटा लिए, आप तो किताबों के अंदर बैठे, और जो जो बातें आपको बताई जा रही है, चाहे आप ऑनलाइन से जुड़े हो चाहे ऑफलाइन से जुड़े हो, सबको समेट के आप बैठे। फिर जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा एक नई इबादत हो जाएगी, बेफिक्र रहिए इस चीज को, समय खराब मत करो, ध्यान रखना 70% लोग समय खराब करें, 70% बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, वो जो है उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सब देख लिए मैंने, सब देखता हूँ मैं, मेरे को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े नाम है उनको भी देखता हूँ, छोटे नाम है उनको भी देखता हूँ। ध्यान रखना, सही दिशा में चलिए, सही रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो वक्त लगेगा आपको। ये आप मुझसे कहवा दीजिए, 15 सालों के अनुभव में जो सीखा है उसी की बदौलत आपको बता रहा हूं, कोई 1-2 साल का अनुभव नहीं। ध्यान रहे, कचरा पटाने को पूरा कचरा पटा सकता हूं, अभी भी मेघालय को जोड़ते हुए सीटें इसकी नृत्य वगैरह लाकर सब कुछ उलझावदार बना सकता हूं, आपको सोच ही नहीं सकते। मेघालय के साथ मिजोरम को जोड़ बिल्कुल कर सकता हूं,